जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। आइए सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं और भगवान का कथा श्रवण करते हैं, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार जो कि हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी जो कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बसे भारतीय भी इसे पूरी आस्था व हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य जो कि भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा के कारागार में हुआ था, इसलिए इस दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। और उस दिन अष्टमी तिथि जो कि रोहिणी नक्षत्र से युक्त थी, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है और कान्हा की मनमोहक छवि देखने के लिए इस दिन दूर दूर तक श्रद्धालु मंदिरों में जाते हैं, मथुरा पहुँचते हैं, वृंदावन आदि जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण रूप से श्रृंगार करवाया जाता है और विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है, इससे भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत नियम के बारे में, पूजन समय के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन भेजा करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम से व्रत के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। अगर आप कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्न दान, वस्त्र दान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी जो कि गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर में ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत सैया पर विराजमान थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। इसके पश्चात देवता ब्रज मंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में जन्म लिए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार कर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका आठवां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात को सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा ना देवकी होगी और ना ही उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की आठवीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी आठवीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगी। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात को स्वीकार कर ली और वासुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां पर आ पहुंचे और कंस से बोले कि हे कंस,
यह कैसे पता चलेगा कि आठवां गर्भ कौन सा होगा? गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी? कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके सात बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़िया खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपना पैर लटका दिया। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक श्री कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। फिर जेल के दरवाजे अपने आप पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई और फिर कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु कंस के हाथों से छूटकर वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली कि हे कंस, हे दुराचारी, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ? तेरा शत्रु तो कहीं और जन्म ले चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक प्रकार के दैत्य भेजे और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला और उन्होंने अपने बालपन में कई लीलाएं की और फिर अंत में कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की पुण्य जन्मतिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में भगवान श्री कृष्ण का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करवाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। इससे भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत विधि पूजन शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जा करके जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।